कांग्रेस को जोड़ पाने में नाकाम रहे राहुल गांधी। राहुल भी नहीं निकाल पाए हरियाणा कांग्रेस की लाइलाज बीमारी का तोड़। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा पर गुटबाजी रही हावी। जी हां, राहुल गांधी की हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज खत्म हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 102 दिनों से आधे हिंदुस्तान में घूम चुके राहुल गांधी के लिए हरियाणा में कांग्रेस को जोड़ पाना मुमकिन नहीं हो पाया। राहुल गांधी बेशक दिल में हिंदुस्तान को सामाजिक तौर पर जोड़ने की हसरत रखते हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को तोड़ पाना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। 3 दिन तक हरियाणा में रहे राहुल गांधी पार्टी के नेताओं को एकता का पाठ तो जरूर पढ़ाते रहे, लेकिन यह सच्चाई है कि हरियाणा के चारों गुटों के नेताओं में एक बार भी एकता नजर नहीं आई। ना तो इन नेताओं के दिल मिले और ना ही नेताओं की आंखें मिली। राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा इवेंट कही जा सकती है और इस सबसे बड़े आयोजन से उसके दो बड़े नेता गैर हाजिर रहे। पूर्व मंत्री किरण चौधरी और उनकी बेटी कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी यात्रा में एक बार भी राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आए। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का यात्रा में शामिल नहीं होना कांग्रेस में हड़कंप मचाने का काम कर गया है। हरियाणा में यह चर्चा चल पड़ी है कि कुलदीप बिश्नोई के बाद अब किरण चौधरी भी कांग्रेस को अलविदा कहने जा रही हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होना बड़ा सेटबैक कहा जाएगा। किरण चौधरी के खेमे से इस गैर हाजिरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बीमारी के चलते दोनों नेता यात्रा में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन उनका गैर हाजिर रहना पूरी यात्रा को एक झटका देने का काम जरूर कर गया। भूपेंद्र हुड्डा ने इस यात्रा में चारों बड़े नेताओं कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव को विश्वास में नहीं लिया। यात्रा का प्रबंधन पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंप दिया, यानी यात्रा को लेकर दीपेंद्र हुड्डा सुप्रीम पावर रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने ही पूरे प्रदेश में यात्रा को लेकर बैठकें की। दीपेंद्र हुड्डा ने ही यात्रा के लिए जिला कोऑर्डिनेटर लगाने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा के रोड मैप को अंतिम रूप दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने ही यात्रियों के पड़ावों को तय किया। दीपेंद्र हुड्डा ने ही यात्रा को लेकर नेताओं की ड्यूटी लगाई। खास बात यही है कि यात्रा का प्रबंध पूरी तरह से यानी 100% भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं में हाथ में रहा। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव यात्रा में शामिल तो जरूर हुए, लेकिन यात्रा के प्रबंधन में इनकी भागीदारी जीरो रही। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने बाकी खेमे के नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया और इसी वजह से इन नेताओं से जुड़े हुए बाकी चेहरों को यात्रा के दौरान सक्रियता में नहीं देखा गया। अपनी अनदेखी के कारण किरण चौधरी तो नाराज हुई ही, बल्कि इनके साथ साथ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और अजय यादव ने भी पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया तो जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर यात्रा को लेकर जोश खरोश नजर नहीं आया। इस यात्रा के जरिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हरियाणा कांग्रेस में उन्हें बाकी नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बाकी नेताओं की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें बाकी नेताओं का कोई सहयोग नहीं चाहिए और वह हरियाणा में कांग्रेस को सिर्फ अपने हिसाब से चलाने का काम करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेताओं को ही जोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही और यह यात्रा भूपेंद्र हुड्डा के साथ बाकी नेताओं के रिश्तों को भी खट्टा करने का काम कर गई है। यात्रा के समापन के बाद इन रिश्तों में और भी तलखी नजर आए तो कोई अचरज नहीं होगा। राहुल गांधी यात्रा के दौरान एकता का पाठ नेताओं को पढ़ाते रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता आंखें और कान बंद करके उनकी बातों को अनसुना करते रहे और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हैं, क्योंकि यात्रा की कमान उनके हाथों में होने के कारण बाकी नेताओं को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनकी थी। वह अपनी इस जिम्मेदारी पर खड़ा नहीं उतरे और इसलिए हरियाणा कांग्रेस में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान गुटबाजी का नज़ारा सरेआम देखने को मिला। राहुल गांधी जब इस कांग्रेस की लाइलाज बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, तोड़ नहीं निकाल पाए, तो ऐसे में दूसरे दौर में भी इस गुटबाजी का नज़ारा देखने को जरूर मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा और कांग्रेस की गुटबाजी की खबरों को लेकर आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।